नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको दिन में ज़्यादा नींद आने की समस्या, इसके पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे जो 10 कारण है उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारण है नींद की कमी, खास करके रात के वक्त। खराब नींद की आदतें, व्यस्त जीवन शैली और अनियमित नींद का समय इत्यादि की वजह से हम अच्छी नींद नहीं ले पाते, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, खास करके रात के वक्त। इसलिए हमारी नींद पूरी हो जाए, इस हेतु से हमारा जो शरीर होता है इस प्रकार से काम करेगा कि दिन में हमें ज़्यादा नींद आएगी। दूसरा कारण है स्लीप डिसऑर्डर्स। कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इस स्थिति में होता यह है कि जब भी हम रात को अच्छे से सोए हुए होते हैं तो हमारा जो एयरफ्लो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमारी नींद बिगड़ जाती है, हम जाग जाते हैं। ऐसे हमें टुकड़ों टुकड़ों में नींद आती है, जिसकी वजह से हम पूरी नींद नहीं ले पाते हैं और क्वालिटी वाली नींद नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से दिन के वक्त हमें नींद आने की समस्या रहती है। नंबर 3 है डिप्रेशन और एंजाइटी। देखिए, आजकल की जो फास्ट लाइफ है उसमें थोड़ी बहुत चिंता होना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना लाजमी है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चिंता और स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन की स्थिति सामने आती है। ऐसे में नींद की जो पैटर्न होती है डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में खास करके रात को सोते वक्त ओवरथिंकिंग की समस्या हो जाती है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसमें सोने का समय निकल जाता है, कभी कभार रात को 3-4 बजे नींद आती है, कभी कभार तो पूरी रात नींद ही नहीं आती, इसलिए दिन में ज़्यादा नींद आने की समस्या रहती है। नंबर 4 है कुछ दवाइयाँ। देखिए, जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की परेशानी है उन्हें डॉक्टर अक्सर एंजोलाइटिक और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं। जिन लोगों को इंसोमनिया की स्थिति है उन लोगों को सेडिटिव्स मेडिसिन दी जाती है। जिन लोगों को कोई इचिंग की परेशानी होती है या फिर एलर्जी की समस्या होती है, खास करके सीजनल एलर्जी, तो उसमें एंटी हिस्टामाइन दवाइयाँ दी जाती हैं। ये सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से ड्राउजीनेस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से दिन में ज़्यादा नींद आने की समस्या रहती है। नंबर 5 है अल्कोहल का सेवन। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का आदि है, अगर वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है, तो ऐसे में जो स्लीप साइकिल होती है, स्लीप पैटर्न होती है, डिस्टर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से रात को नींद अच्छे से नहीं आती, तो फिर दिन में ज़्यादा नींद आने की समस्या रहती है। नंबर 6 है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है अंडर एक्टिव थायरॉयड, मतलब कि थायरॉयड हार्मोन अच्छी मात्रा में रिलीज नहीं होते, उसका अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से शरीर में थायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाती है और शरीर के कुछ फंक्शंस जैसे कि मेटाबॉलिज्म इत्यादि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से थकान और कमजोरी महसूस होती है, कुछ काम न करने की इच्छा होती है, बेड पर पड़े रहने की इच्छा होती है, तो ऐसे में दिन भर टुकड़ों टुकड़ों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नींद आती है। नंबर 7 है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, CFS। जिन लोगों को CFS की परेशानी होती है उन लोगों को पूरे दिन थकान और कमजोरी महसूस होती है। अगर वह लोग थोड़ा बहुत सो लेते हैं, थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो थकान और कमजोरी होती है कम नहीं होती, जिसके चलते पूरे दिन नींद आने की समस्या रहती है। नंबर 8 है अनीमिया। अनीमिया की स्थिति में हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है। जब भी हमारे शरीर में आयरन कम रहेगा तो हमें थकान और कमजोरी महसूस होगी, जिसकी वजह से पूरे दिन सोने की ही इच्छा होती है। नंबर 9 है आहार। अगर आपके आहार में आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शुगर वाला खाना खाते हो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो और यह खाना आप एक ही टाइम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाते हो, तो ऐसे में एनर्जी क्राइसिस की वजह से आपको नींद जैसा महसूस होता है, खास करके दिन के वक्त। नंबर 10 है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है जो सेडेंट्री होती है, मतलब कि उन लोगों का काम ही ऐसा होता है कि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करने का समय नहीं मिलता। वैसे तो एक बहाना होता है कि थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करना ही पड़ता है, अगर आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई ऐसे स्पोर्ट के साथ जुड़े हुए होते हो जहाँ पर आप दिन भर में एक घंटा कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ले, लेकिन अगर आप कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपके शरीर में आलस रहेगी, जिसकी वजह से पूरे दिन आपको सोने की इच्छा रहेगी और नींद बहुत ही ज़्यादा आएगी। तो यह थी जानकारी दिन के वक्त बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नींद आने की समस्या के पीछे कौन कौन से 10 मुख्य कारण होते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल है तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।